छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही है। बता दें आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा हमला किया गया जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। बता दें दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास DRG यानी जिला रिजर्व गार्ड के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर IED हमला हुआ है। राज्य पुलिस की तरफ से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 26 अप्रैल को दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी कैडर की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा से DRG बल नक्सल विरोधी अभियान के रवाना किया गया था जो अभियान के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान माओवादियों द्वारा अरनपुर मार्ग पर IED विस्फोट किया गया जिससे अभियान में शामिल 10 DRG जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। इसके साथ ही माओवादी ने जवानों के एक पिकअप वाहन को भी बम से उड़ा दिया है। कुछ जवानों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जवानों को नुकसान हुआ है। मामला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र का है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नक्सलियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा।